सब्सक्राइब करो मेरे चैनल साइकिल राइडर रॉय को और बेल का बटन दबाकर देखो मेरी वीडियो सबसे पहले। Hey guys, welcome back to the channel. This is Vishu from Cycle Rider Roy. और आज हम अपने इस बाइक को पॉलिश करने वाले हैं सिर्फ 10 रुपए में। तो क्या आप सब तैयार हैं इस चीज को देखने के लिए? तो चलो यार शुरू करते हैं। सो अपने बाइक को पॉलिश करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक ऐसे माइक्रोफाइबर क्लोथ की, ये पॉलिश जो आपको मार्केट में 20 से 30 रुपए के अंदर मिल जाएगा, और एक छोटा सा स्पॉन्ज जिससे हम अपने पूरे बाइक में पॉलिश को अप्लाई करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, तो चलिए मैं आपको 3 इजी स्टेप में दिखाता हूँ कि आप अपने पूरे बाइक को किस तरीके से एक फ्रेश और न्यू लुक दे सकते हैं। सो गाइज, स्टेप नंबर वन में मैं पहले पूरे फ्रेम के अंदर पॉलिश को अच्छे से लगा दूंगा। तो चलिए हम पहले स्टेप नंबर वन को कंप्लीट करते हैं, फिर बढ़ेंगे स्टेप नंबर टू की तरफ। स्टेप नंबर वन, इस पॉलिश को ओपन करके, इसके ढक्कन को खोल के हम थोड़ा सा पॉलिश अपने स्पॉन्ज में ले लेते हैं, कुछ इस तरीके से। देन इस तरीके से स्मॉल स्मॉल डॉट्स में हम पहले पॉलिश को अप्लाई कर देते हैं पूरे फ्रेम में, कुछ इस तरीके से। एंड देन सिंपली आप राउंड सर्कुलर मोशन से अपने बाइक में पूरे इस तरीके से आप पॉलिश को अप्लाई कर दीजिए। ध्यान रखें कि ये आप अपने डिस्क ब्रेक के रोटर में ना लगाएं, उससे थोड़ा सा डिस्क ब्रेक आपका काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप अपने फ्रंट सस्पेंशन में भी लगा दीजिए, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। बाइक के एक साइड में लग जाने के बाद हम बाइक के दूसरे तरफ में भी अपने पॉलिश को अच्छे तरीके से अप्लाई कर देंगे। सिंस हमने पहले थोड़ा सा पॉलिश लिया था, तो मैं थोड़ा सा पॉलिश और ले लेता हूँ। इस तरीके से 4 ड्रॉप पॉलिश लेके हम दूसरे साइड को भी पॉलिश कर लेते हैं। सो गाइस, मैंने अपने पूरे बाइक के फ्रेम में लगा दिया है पॉलिश को। मैं हैंडल बार में अभी पॉलिश नहीं लगा रहा हूँ, बिकॉज मेरा हैंडल बार पूरा नया है। आप लोग अगर चाहें तो अपने हैंडल बार में भी पॉलिश को लगा सकते हैं। सेम स्टेप ही आप फॉलो कीजिए, जिससे आपका हैंडल बार भी नए जैसा हो जाएगा। स्टेप नंबर टू में हम लोग अपने टायर्स में पॉलिश को अप्लाई करेंगे और अपने टायर को भी नए जैसा बना लेंगे। वो हम कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सेम, हम अपने पॉलिश को थोड़ा सा इसके अंदर लेके हम टायर्स में जाके इस तरीके से अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा पॉलिश और लेके हम टायर के दूसरे साइड भी जाके लगा देंगे। सेम प्रोसेस हम अपने बाइक के फ्रंट टायर में भी करेंगे। पॉलिश को कुछ इस तरीके से स्पॉन्ज में लेके हम अपने बाइक के फ्रंट टायर में भी इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। एक साइड लग जाने के बाद हम टायर के दूसरे तरफ भी अपने पॉलिश को लगा देंगे। तो मैं थोड़ा सा पॉलिश और ले लेता हूँ, साइड रख के दूसरे तरफ भी पॉलिश को अप्लाई कर देता हूँ। तो गाइज, जैसा कि आप अभी देख सकते हो, मैंने बाइक में पूरी तरीके से पॉलिश लगा दिया है और फ्रेम में अभी मैं उसको सोक होने दे रहा हूँ। आप फ्रंट टायर का डिफरेंस भी देख सकते हैं, ये टायर की कंडीशन थी पॉलिश करने से पहले, और ये नीचे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने पॉलिश को अप्लाई किया है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। मैंने यहाँ पर पॉलिश को अप्लाई नहीं किया, बिकॉज़ ये पार्ट तो वैसे भी चलता रहेगा तो वो गंदा ही होगा। ओके गाइस, तो हमने अभी तक अपने टायर्स और फ्रेम में अच्छे तरीके से पॉलिश को अप्लाई कर दिया है। अब बारी आती है स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में हम ये माइक्रोफाइबर क्लोथ को यूज़ करेंगे और अपने बाइक को एक बार अच्छे से थोड़ा सा जोर लगा के रगड़ देंगे, ताकि जो हमने पॉलिश अप्लाई किया था वो हमारे बाइक को बहुत अच्छी शाइन दे। तो चलो यार इसको भी फटाफट कर लेते हैं। हमने जो पॉलिश अपने रिम्स में लगाए थे, हम उसको भी थोड़ा सा इस तरीके से साफ कर देंगे, ताकि वो और ज्यादा चमक उठे। फ्रंट टायर हमारा कंप्लीट हो चुका है, बैक के टायर को भी हम कर लें।
सो गाइज आपने देखा कि हमने अपनी पूरी बाइक के फ्रेम को और उसके टायर को बड़े ही आराम से पॉलिश कर दिया और हमारा टायर पहले के मुकाबले कितना ज्यादा आप देखिए साइड से नया लग रहा है। ये पॉलिश और स्पॉन्ज आपको मार्केट में 30 से 40 रुपए के अंदर मिल जाएगा या आपको किसी भी मोटरसाइकिल जो लोग मोटरसाइकिल का रिपेयर करते हैं उनके पास ही आपको मिल जाएगा बड़े ही आराम से आपके आसपास के बाजारों में। और ये तकरीबन आपके 6 से 7 बार आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर हम देखें तो हमने अपनी पूरी बाइक को 10 रुपए से भी कम में पूरा नए जैसा कलर उसमें दे दिया है पॉलिश करके। अब आप सोच रहे होंगे कि यार बाइक को पॉलिश क्यों करें। बाइक पॉलिश करने के 2 फायदे हैं, एक तो ये आपके कलर को बचाता है, दूसरा ये आपके बाइक को हमेशा न्यू जैसा दिखने में मदद करता है। जी हाँ, यही रीज़न है कि मेरी बाइक आपको हमेशा चमकती हुई नजर आती है, बिकॉज मैं हमेशा 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में एक बार इस पॉलिश से अपनी पूरी बाइक को पॉलिश कर लेता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो देन मेक श्योर आप जो यहाँ पे लाइक बटन देख रहे हो उसको यार आप प्रेस कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो देन मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबा के रखो ताकि ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोज़ आपकी बाइक के लिए आप सबसे पहले देख सको। और अगर चाहते हो मेरी वीडियोज़ के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स को पाना देन मेक श्योर मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करो। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी @cycleriderroy जो आपके स्क्रीन में देखो यहाँ पे आ रहा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो को लेके। टिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल। बाय बाय।